Good morning, students. I am Jindra Pradya, and today we will discuss chapter 12, data handling. ठीक है? तो आज हम लोग नया चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं. इसका नाम है क्या? Data handling. ठीक है? तो एक टर्म यहाँ पे आया क्या? Data. पहले हम देखते हैं data होता क्या है. ठीक है? Data. तो data क्या होता है? Data कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन. डेटा क्या होता है? डेटा इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन. किसी भी इंफॉर्मेशन को एक साथ कलेक्ट करना क्या कहलाता है? हमारा डेटा कहलाता है. कैसे? अभी तुम्हें क्वेश्चन में नहीं आया था. डेटा इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन. कैसे? अब देखते हैं. जैसे आपसे पूछा जाए कि आप अपनी क्लास के सारे स्टूडेंट्स के नेम बताइए, तो कैसे बताएंगे आप? कैसे बताएंगे? जो अटेंडेंस रजिस्टर होगा उस अटेंडेंस रजिस्टर में क्या करेंगे आप? सारे स्टूडेंट्स के नेम नोट होंगे, तो उसमें से देख के आप क्या करेंगे? बता देंगे आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन ग्राउंड. तो यही जो हमने क्या किया, जो स्टूडेंट्स का नेम लिखा रखा है वही तो क्या कहा था हमारा डेटा. क्योंकि इसकी इंफॉर्मेशन रखी हुई है, आपकी क्लास के सारे स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन रखी है कि उनका नाम क्या है, कितने दिन वो आए, कितने दिन एब्सेंट रहे, वगैरह वगैरह. ठीक है? इसमें होता है अटेंडेंस रजिस्टर में. तो ये भी क्या होता है? हमारी इंफॉर्मेशन है आपकी क्लास के बच्चों की. तो वो क्या होती है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन. बहुत सारी इंफॉर्मेशन क्या होती है? रखी होती है. यही हमारा क्या कहलाता है? डेटा कहलाता है. ठीक है? जैसे एक एक एग्जाम्पल को हम समझते हैं. जैसे आपसे कहा जाए कि आप एक इंफॉर्मेशन निकालिए कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं जिनको क्या हॉकी खेलना पसंद है, कितने स्टूडेंट्स को क्रिकेट खेलना पसंद है, कितने स्टूडेंट्स को फुटबॉल खेलना पसंद है, वगैरह वगैरह कौन सी गेम किसको पसंद है. तो हम क्या करेंगे? सारे मान लो आपकी क्लास में है 30 स्टूडेंट्स हैं. आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? 30 स्टूडेंट्स हैं. आपने सबके पास जाकर पूछा कि आपको क्या पसंद है, कौन सा खेल पसंद है. तो कुछ लोगों ने क्या किया? कहा कि हमें क्रिकेट पसंद है. कुछ लोगों ने कहा हमें फुटबॉल पसंद है. कुछ लोगों ने कहा हमें हॉकी पसंद है. कुछ लोगों ने कहा हमें खो खो पसंद है. और कुछ लोगों ने कहा हमें लूडो खेलना पसंद है. क्या पसंद है? लूडो खेलना पसंद है. ठीक है? क्या पसंद है? लूडो खेलना पसंद है. ठीक है? तो आपने पूछा, लेकिन आप क्या करेंगे? कैसे बताएंगे हम कि क्या हुआ? तो आप क्या लिखेंगे? क्रिकेट कितने लोगों को खेलना पसंद है? मान लीजिए आप क्लास में 8 लोगों को क्या है? क्रिकेट खेलना पसंद है. तो आप क्या बताएंगे? सर 8 लोगों को क्या पसंद है? 8 स्टूडेंट्स को क्या पसंद है? क्रिकेट खेलना पसंद है. फोटो वाला सैंपल लोगों को क्या? फुटबॉल पसंद है. और 3 लोगों को क्या पसंद है? क्रिकेट खेलना पसंद है 3 स्टूडेंट्स को. और खो खो कितने लोगों को पसंद है? 2 लोगों को खो खो पसंद है. कितना? 2 लोग. और 10 लोगों को लूडो पसंद है. क्या पसंद है? लूडो. 3 स्टूडेंट्स लूडो खेलना पसंद करते हैं, 2 स्टूडेंट्स खो खो खेलना पसंद करते हैं, 3 स्टूडेंट्स हॉकी खेलना पसंद करते हैं, 7 स्टूडेंट्स क्या फुटबॉल खेलते हैं, और 8 स्टूडेंट क्या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं. तो हमने क्या किया? ऐसे हमने लिख दिया. तो यही क्या हो गया? हमारा डेटा कहलाता है. इंफॉर्मेशन कलेक्ट की नाम है, कितने लोगों को क्या पसंद है, कौन से स्टूडेंट को क्या पसंद है. तो यही हमारा क्या कहलाता है? डेटा. और हमने इसको ऐसा फॉर्म में लिख दिया, तो यही क्या कहलाता है? हमारा कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन. इसी को कहते हैं हम डेटा कहते हैं. अब इसको स्टोर कैसे करते हैं, मतलब हैंडल कैसे करते हैं? स्टोर हैंडल करना मतलब स्टोर करना. डेटा को कैसे रखेंगे, किस प्रकार रख सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं कि कैसे कैसे हम डेटा को रख सकते हैं, मतलब इंफॉर्मेशन को कैसे कैसे हम रख सकते हैं. तो उसके 3 तरीके हैं जो आपके कोर्स में है. 1 टैबुलेशन,
टैबुलेशन मीन्स टेबल के फॉर्म में। नंबर टू वार ग्राफ के फॉर्म में डेटा को हम रख सकते हैं। नंबर तीन पाई चार्ट के फॉर्म में डेटा को रख सकते हैं। देयर आर थ्री मेथड्स टू स्टोर द डेटा, कौन कौन से? टैबुलेशन, बार ग्राफ एंड पाई चार्ट। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे टैबुलेशन। टैबुलेशन में डेटा कैसे लगते हैं वो देखते हैं। टैबुलेशन देखने से पहले हम कुछ क्या करेंगे, कुछ टर्म क्या करेंगे, हम पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं उनके बारे में। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जैसे आपसे पूछा जाए कि कितने लोगों को क्रिकेट खेलना पसंद है, कितने स्टूडेंट्स? 8 लोगों को। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी इसकी? ए। कितने लोगों को क्या पसंद है? फुटबॉल खेलना पसंद है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 7। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फिर जो भी है, नंबर ऑफ आइटम्स। स्टूडेंट्स है यहाँ पर, क्या करेंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो जाती है? फ्रीक्वेंसी हो जाती है। अब आते हैं टैलीमार्क क्या होता है? टैलीमार्क जैसे फ्रीक्वेंसी में क्या लिखा जाता है? 1। जैसे में भी ऐसे लिखते हैं 1। फ्रीक्वेंसी में कैसे लिखते हैं? 2 ऐसे लिखते हैं ना, इसमें कैसे लिखेंगे? 2 1 और 2 2 को रिप्रेजेंट करने के तरीके। अगर 3 को रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसमें ऐसे करते हैं, इसमें क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी में तो 3 लिखते थे, इसमें कैसे लिखेंगे? 1 2 3। 4 को 1 2 3 4। 5 को 1 2 3 4 और 5। अगर मान लिया 10 को रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5। 5 तो ये हो गया, 5 6 7 8 9 10 रिप्रेजेंट हो गया ऐसे। मतलब 5-5 का एक ग्रुप बनाते जाते हैं और उसको लिखते जाते हैं। जैसे मान लिया हमें 8 को रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5। अब कितना बचा? 3 और चाहिए हमें, 1 2 3। ऐसे हम रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं टेबल क्या होती है। टेबल को कैसे हम डेटा को कैसे हम टेबल में स्टोर कर सकते हैं। टेबल में हम कैसे स्टोर कर सकते हैं डेटा, पहले ही देखते हैं। तो मान लें जो हमें दिया गया था वही बनाते हैं कि कितने लोगों को कौन सा गेम पसंद है आपकी क्लास में। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 30। तो क्या करेंगे हम? एक तरफ क्या लिखेंगे? एक कॉलम गेम, कौन सा गेम है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट मीन्स फ्रिक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसे क्या बोलते हैं हम? फ्रीक्वेंसी। और क्या होता है? टैली मार्क। 3 कॉलम होते हैं। अब गेम में क्या करना पसंद है? गेम क्या कहते हैं? क्रिकेट था, हॉकी थे, फुटबॉल थी, खो खो और लूडो, ये गेम थे। तो कितने लोगों को क्रिकेट पसंद था? कितने लोगों को पसंद था क्रिकेट? 8 लोगों को। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी इसकी? 8। और कितने लोगों को पसंद थी? मान लिया 7 लोगों को पसंद है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 7। फुटबॉल अगर 3 लोगों को पसंद है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 3। खो खो 2 लोगों को पसंद है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 2। लूडो कितने स्टूडेंट को? 10 स्टूडेंट को पसंद है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 10। अब आते हैं टैलीमार्क को कैसे लिखते हैं उसको। जैसे हमने बताया 8 को कैसे लिखते हैं? 1 2 3 4 5। कितना होगा? 3। 1 2 3 हो गया।
सेवन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू, थ्री को वन टू थ्री, टू को वन एंड टू, टेन को वन टू थ्री फोर फाइव, कितना था ये फाइव और वन टू थ्री फोर एंड फाइव, ये हमने रिप्रेजेंट कर लिया। ये होती है हमारी टेबल, ये होता है टेबुलेशन, मतलब टेबल के फॉर्म में डेटा को स्टोर करना, डेटा हैंडलिंग, टेबल के फॉर्म में डेटा को हैंडल करना, मतलब डेटा को स्टोर करना, ऐसे स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। यह आपका टेबुलेशन हो गया। तो आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं बुक में, जो आप सॉल्व करिए, और जो ना आए उसे आप व्हाट्सएप ग्रुप में या वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।